पाँच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश से आए विशेषज्ञ जोल जैसे समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके संरक्षण के उपाय सुझाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके सहयोगियों और उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। जल के बिना किसी भी जीवन की कल्पना असंभव है। भारतीय सभ्यता में भी, जीवन में और जीवन के बाद की यात्रा में भी जल का महत्व है। आप लोगों में से ज़्यादा तो लोगों ने ऋषि भगीरथ द्वारा पवित्र गंगा की जीवन पर जमीन पर लाने का ये नदी का कारण सुना होगा। अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने तपस्या की और गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। विज्ञान के इस युग में ये कहानी भले ही मिथक लगे, पर इसका सार है जल का हमारे जीवन में महत्व। भारतीय सभ्यता में पानी का दैव रूप में जाना जाता है। ऋग वेद में लिखा है, या आप दिव्या उतोवा श्रवंती खनित्रमा उतोवा याह सोयोजाह समुद्रार्था याह सुचोय हो पावकास्ता आप देवीरी हो मामोबंतु। अर्थात जो जल अंतरिक्ष से उत्पन्न होते हैं, नदी के रूप में बहते हैं, जो खोदकर निकाला जाते हैं अथवा जो अपने आप उत्पन्न होकर सागर की ओर गति करते हैं, जो दीप्तियुक्त पवित्र करने वाले हैं, ये देवी रूप जल यहाँ हमारा रक्षा करे। यही वजह है कि पानी के समस्त स्रोतों को पवित्र माना जाता है। लगभग हर धार्मिक स्थल नदी के तट पर स्थित है। ताल तलैया और पोखरों का स्थान समाज में पवित्रता का होता रहा है, पर वर्तमान समय पर नजर डाले तो कई बार स्थिति चिंताजनक लगती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी नदियों में और जलाशय की हालत क्षीण हो रही है। गंगा के पोखरे सूख रहे हैं। गांव में पोखरी का हालत खराब होते जा रहा है। कई स्थानीय नदियां विलुप्त हो रहा है। कृषि और उद्योगों पर जल का दोहन जरूर से ज़्यादा हो रहा है। धरती पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ते लगे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है और बेमौसम अतिवृष्टि आम बात हो गया है। इस तरह की परिस्थिति में पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके कई पहलू हैं। मिसाल के तौर पर कृषि क्षेत्र में विविधता के साथ ऐसे फसलें लगाई जाएं जिसमें पानी की खपत कम हो। गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र अपने भौगोलिक स्थिति के कारण जल अभाव क्षेत्र था। 20-25 साल पहले महिलाओं द्वारा सिर पर घड़ा लेकर पानी लाना एक आम दिनचर्या थी। शहरों में वाटर टैंकर्स द्वारा पानी की सप्लाई होती थी। पानी माफिया का बोलबाला था। आज ये सब इतिहास बन गई है। सोइने योजना वहाँ पानी के मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है। अन्य कई राज्यों ने भी इस तरह के फसल प्रयोग किए हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस वाटर वीक के दौरान जल से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिनमें न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है।
जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा दो या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। एक खुशी की बात है कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इसराइल और यूरोपियन यूनियन इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे आशा है कि इस मंच पर विचारों और टेक्नोलॉजीज के आदान प्रदान से भी सभी को लाभ मिलेगा। देवियों और सज्जनों, आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय इस कार्य को लेकर संकल्पबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3,23,00,000 ग्रामीण घरों में जल नल से जल की आपूर्ति होती थी, वही आप करीब 10,43,00,000 घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। इस मिशन से गांव के लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है, जिसके जल जनित बीमारियों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। नल से घर घर जल की आपूर्ति ने पानी की बर्बादी को तो रोका ही है, साथ ही उसके दूषित होने की संभावना को भी कम किया है। इस मिशन से हमारी बहनों बेटियों को पानी के लिए समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी पड़ रही है। महिलाएं अब इस ऊर्जा और समय को अन्य रचनात्मक कार्यों में लगा पा रहे हैं। पानी हमारे किसानों और कृषि के लिए भी एक प्रमुख संसाधन है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में जल संसाधन का करीब 80% कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। अतः सिंचाई में जल का समुचित उपयोग और प्रबंधन जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस क्षेत्र में एक बड़ी पहल है। देश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रव्यापी योजना लागू की जा रही है। जल संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप ये योजना पार्ड्रॉप मोर क्रॉप सुनिश्चित करने के लिए सटीक सिंचाई और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को अपनाने को भी परिकल्पना करती है। सरकार ने जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण, बोरवेल का रीयूज और रीचार्ज, वाटरशेड विकास और गहन वनरोपण द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, आगामी दशकों में भारत की शहरी आबादी के तेज गति से बढ़ने का अनुमान है। शहरीकरण के फलस्वरूप वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नर सिस्टम की आवश्यकता होगी। इस सिस्टम से जल का समान और सतत वितरण तथा रिसाइकलिंग जैसे कार्य प्रभावी रूप से हो सकेंगे। इन कार्यों को पूरे करने के लिए टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। इसलिए मेरी साइंटिस्ट, टाउन प्लानर्स और इनोवेटर्स से अपील है कि वे इन कार्य के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने का प्रयास करें। अभी हमने दो जल योद्धाओं
अकेले टुडू जी और हीराबेन जी के सफलता की कहानियाँ सुने। जिस प्रकार अकेले टुडू जी ने अपने क्षेत्रों में तमाम बाधाओं को पार करते हुए तालाबों का निर्माण किया और कृषि तथा किसानों के जीवन को बदला है, ये प्रेरणा की प्रेरणादायक है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार हीराबेन जी ने जल संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तम प्रयास किए हैं। इनके जैसे और भी असंख्य लोग हैं जो जल और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय योगदान दिए हैं। हम सब जानते हैं कि जल सीमित है और इसका समुचित उपयोग और रिसाइकिलिंग ही इस संसाधन को लंबे समय तक बनाया रखा सकता है जा सकता है। इसलिए हम सब का प्रयास होना चाहिए कि इस संसाधन का मितव्यता के साथ उपभोग करें, इसके दुरुपयोग के प्रति खुद भी जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूकता बनाए। मुझे उम्मीद है कि इस सेवेंथ वाटर वीक के दौरान विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा और इस पृथ्वी के और मानवता के कल्याण का रास्ता होगा। मैं आम लोगों, किसानों, उद्योगपतियों और विशेषकर बच्चों से ये अपील करूंगी कि वे जल संरक्षण को अपने आचार व्यवहार का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ऐसा करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित काल देख सकेंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत पुनः पुनः बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि भारत जल सप्ताह के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कुछ अहम बातें कहीं, संक्षिप्त में आपसे साझा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और भारतीय सभ्यता में जब हम पानी का जिक्र करते हैं तो उसे दैवीय रूप कहा जाता है, और क्योंकि कृषि क्षेत्र बिना पानी के बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो किस तरह से ऐसे विकल्प खोजे जाएं